अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है बिरयानी, दम की बिरयानी, तह वाली बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके आप देख सकते हैं छोटी साइज़ की चिकन थी तो टोटल 1 किलो है। ये मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज ली, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। बड़े नहीं हो तो आप 5 मीडियम ले लीजिएगा। और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला घर का बना हुआ है, इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1.5 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे 1 किलो बिरयानी में। अदरक लहसुन ले लिया है मैंने, टोटल 1.5 टेबल स्पून है भर के, जिसको मैं आगे चॉप करूँगी। ये जायफल जावित्री है, 1/2 टीस्पून इसका पाउडर फॉर्म में कर लिया है, ये हम आगे इसको यूज़ करेंगे। और साथ साथ खड़े मसालों में 2 टीस्पून भर के ज़ीरा है, 10-12 काली मिर्च, 10-12 लौंग, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 3 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची और 2-3 पत्ते तेज़पत्ते के, ठीक है। और ये हमने आलू बुखारा लिया है 8-10, 1 पाव हमने दही ली है, 5 हमने टमाटर लिए हैं जो कि 1 हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, 4 हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने 12 पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये तेज़ होती हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लेनी तो आप कम ले लीजिए। धनिया पुदीना लिया है हमने और ये है कलर, फूड कलर और केवड़ा एसेंस, ठीक है जी। ओके जी, ये दिखा दिया मैंने आपको, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। स्पाइसेस एक्यूरेट थे बिल्कुल, अगर आपको फिर भी कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम आगे ला रहे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप ऑयल, 1 कप फुल आपने ऑयल डालना है क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। उसके लिए ये देख सकते हैं मेरा ऑयल ऑलरेडी गर्म था, कढ़ाई भी गर्म थी, हमने इस पर प्याज ऐड कर दिया। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अनियन जो होती है, जो हमें फ्राइड अनियन चाहिए होती है, उसके लिए हमारा ऑयल प्रॉपर गर्म होना चाहिए और हमें 7-7 चम्मच चलाना है ताकि हर तरफ से प्रॉपरली वो जो है ना ब्राउन हो जाए। आजकल प्याज बहुत ज़्यादा डार्क कलर की आ रही है तो समटाइम्स जब फ्राई भी होती है तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई, लेकिन वो डार्क नहीं, तो प्याज ही हमारा प्याज बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। तो उसके बाद हमने सारे खड़े मसाले डाल दिए उसी ऑयल के अंदर। आप इसको अच्छे से सॉटे करना है, जब अच्छे से सॉटे हो जाएगा तो फिर आपने इसमें चिकन ऐड करनी है, ठीक है जी। चिकन आपने ऐड कर देना है, आपकी जो है नीचे से आँच तेज होनी चाहिए और आराम से एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके चिकन डालें, साथ ना डालें वरना छीटे उड़ सकती हैं। और आप इसको अच्छे से फ्राई करना है, तेज़ आँच रखनी है, साथ साथ अदरक लहसुन ऐड कर देना है और आपने फ्राई करना है। ये सारा प्रोसेस आपने ज़्यादा देर नहीं करना है क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हमने साथ साथ स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और हमने इसको 2-2 मिनट, सबको 2-2 मिनट दें अच्छे से ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और फिर आपने टमाटर, हमने इसका पेस्ट बना लिया था 4 टमाटरों का और 1 मैंने बचा लिया। फिर आपने नमक ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून और ये मैंने 1/2 साशी जो चिकन पाउडर ऐड किया था और आधा बचा लिया था, ठीक है जी। और हमने ये दही ऐड कर दिया 1 पाव, इसको आपने मिक्स करना है। सब चीज़ों को मैंने 2-2, 3-3 मिनट दिए थे, ज़्यादा नहीं देना क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड में हमने इसमें आलू बुखारा ऐड कर दिया है। मेरा कुरमा ऑलमोस्ट डन होने वाला था, मैं इसको ढक दिया था। साथ साथ हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने जो है 2 घंटे सोक किया था क्योंकि ये सेला चावल लिए मैंने। इसमें मैंने 2.5 लीटर पानी लिया है, 2.5 से 3 लीटर एक पतीली के अंदर। उसमें मैंने 3 पत्ता, 4-5 का जो है वो लौंग है, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, 3 बड़ी इलायची और 2-3 बादियान के फूल हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने इस पानी में ऐड कर देनी और ये 1/2 टीस्पून से भी कम शाहजीरा, काला ज़ीरा से ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा आपने इसमें घी, टोटल मैं इसमें 5 मैंने चम्मच, ये टीस्पून है तो मैंने 5 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है टोटल, ठीक है जी। बिल्कुल एक्यूरेट नमक आया था, आप चाहें तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा वरना मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, इससे बड़ा खिले खिले चावल बनते हैं, नहीं चिपकते एक दूसरे से और बड़ा अच्छा जो है चावलों का लुक आता है। कौरमे के अंदर जो हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट डन होने वाला था, तो हमने आधी तली हुई प्याज इसमें ऐड कर दी। हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है और ये हमारा यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद अपने इसमें चावल ऐड करने। मेरा पानी बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए जो कि मैंने 2 घंटे सोक किए थे, जो कि सेला चावल है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके, मैंने 1 कनी छोड़ी है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था, चावलों को हमने स्ट्रेन कर लिया है। और जब स्ट्रेन हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें केवड़ा एसेंस लिक्विड में डाल लिया, मैंने लिक्विड वाला यूज़ किया था। एसेंस में एक्चुअली थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैंने एसेंस पर रख के भी मैंने ये यूज़ कर लिया था। ये मैंने 2 छोटे वाले जो कप होते हैं इसके, जो उसका जो ढक्कन होता है वही मैंने इसमें ऐड किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि सारा अच्छा फ्लेवर केवड़ा केवड़े के पानी का इसमें प्रॉपर आ जाए। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी लेयरिंग के लिए। मैंने जो है चावलों की तह लगा दी नीचे, कम चावल लगाए हैं, फिर कौरमा लगाऊँगी मैं, कौरमे की तह लगानी है, ठीक है जी। जब पूरी प्रॉपर तह लगे तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने पहले इसके ऊपर, कौरमे के ऊपर जब आप ज़्यादा रंग डालते हैं ना बड़ा अच्छा रंग आता है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। फिर ये तली हुई थोड़ी सी प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें,
ये आप देख सकते हैं, सही जी। फिर आपने इसमें टमाटर लगा देने, जो टमाटर मैंने एक बचाया था उसको मैंने इस तरह कट कर दिया सर्कल्स में, और ये जो हमने जायफल जावित्री का हाफ टीस्पून पाउडर था उसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया। फिर चावल हमने ऊपर लगा दिया, फिर हमने इसके ऊपर जो ज़रदा रंग ऐड करना है, देखिए तरीके से डाले, मैंने पूरा पूरा नहीं डालना है, कम आपने लेना है। और ये हरी मिर्च और बकाया धनिया पुदीना, अब बकाया हरी जो सॉरी तली हुई प्याज थी हमारी वो, और लेमन हमने इस तरह से लगा देने हैं। ये सब चीज़ें, एक लेमन लिया था मैंने, ठीक है, तली हुई प्याज इस तरह से लगा के कितना खूबसूरत हमारा लग रहा है, हम इसको दम पे लगा देंगे। मैंने हार्डली 8 से 10 मिनट इसको दम पे लगाया था, पहले शुरू में थोड़ी सी आप तेज़ आ सकते हैं, फिर आप उसको हल्का कर देते हैं ताकि इसमें अच्छे से स्मोक आ जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी बिरयानी तैयार हुई, कितना खिला खिला, और मतलब कोई चावल एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं, कितना ज़बरदस्त और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, आपने ज़रूर ट्राई करनी। ये देखिए फाइनल लुक माशाल्लाह, और आप इसको सर्व करें रायता और चटनी के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।